आज का ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर फॉरेन ट्रैवल पे है। बाहर जाने के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, बाहर कौन कौन जा सकता है, आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हैं, कौन से कंट्री में जा सकोगे, वहाँ पे आप किस लिए जाओगे, पढ़ाई के लिए जाओगे, इलाज के लिए जाओगे, शादी के लिए जाओगे, बिजनेस के लिए जाओगे, नौकरी के लिए जाओगे, जाओगे तो क्या वहाँ सेटल हो जाओगे, इन सब बातों का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं ट्रैवल अब्रॉड के कॉम्बिनेशंस में। ट्रैवल अब्रॉड करते हैं क्योंकि पढ़ाई के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं, लेक्चर करने के लिए बाहर जाते हैं, किसी न किसी काम से बाहर जाते हैं, इलाज करवाने भी बाहर जाते हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले हर घर कुछ कहता है, जो कहता है वो बताता हूँ। ट्रैवल अब्रॉड में हर घर क्या कहता है? पहला घर सेल्फ का है, जिसने बाहर जाना है, जिसकी कुंडली आपके पास आई है देखने के लिए। दूसरा घर फाइनेंस का है, कुटुंब का है, फैमिली का है, नियर डियर्स का है, जिसको उसके छोड़ने के छोड़कर जाना है उसको। हमने अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो क्लोज रिलेशन है उनसे, उसने जो कुटुंब जिसको बोलते हैं, उस कुटुंब को छोड़कर दूर जाना है, दूसरा घर। तीसरा घर छोटी यात्राएं तो है, यहाँ पे विदेश यात्रा में हम देखेंगे अवे फ्रॉम होम, घर से दूर जा रहा है बच्चा, मदरलैंड से दूर जा रहा है, घर जहाँ जन्म हुआ उससे दूर जा रहा है, अपनी माता से दूर जा रहा है। तो उसका मतलब रहेगा मदर, मदरलैंड, या आप सिबलिंग, जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनसे दूर जा रहा है, फ्रेंड्स को छोड़ के जा रहा है। जा किस लिए रहा है? पेपर रीडिंग के लिए जा रहा है, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, हायर स्टडी के लिए जा रहा है। यदि वो पेपर रीडिंग के लिए जा रहा है तो तीसरे घर की ज़रूरत है, वो हायर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है तो भी तीसरे घर की ज़रूरत है। तो ये काम दो कंपोनेंट है यहाँ पे, पेपर रीडिंग या कॉन्फ्रेंस तीसरे घर से देखेंगे, और छोटे बहन भाइयों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को छोड़ के जा रहा है वो तीसरे घर से देखेंगे, और घर से दूर जा रहा है ये भी तीसरे घर से देखेंगे। चौथे का बारहवां है तीसरा घर। अब चौथा घर यहाँ पे आ गया है मदर, मदरलैंड, लग्जरीज, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, नेवी, मर्चेंट नेवी। तो चौथा घर है एजुकेशन का बेसिक। जब कोई बच्चा एजुकेशन के लिए जाएगा हम बोलेंगे चौथा घर, फिर हम नाइन्थ हाउस नहीं देखेंगे, हायर एजुकेशन बाद में देखेंगे, सबसे पहले चौथा घर बेसिक एजुकेशन का है। यदि कोई नेवी में जाना चाहता है तो चौथे घर में कैंसर साइन है, वाटरी साइन है, और नेवी हम देखते हैं चौथे घर से, मर्चेंट नेवी चौथे घर से देखते हैं। और प्रॉपर्टी, वहाँ जाके क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा घर ले लेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, वो भी हम चौथे घर से देखेंगे। और मदर से उसने दूर जाना है, मदर को छोड़ के जाना है, मदर है चौथे घर का एक मेन कंपोनेंट है मदर, और जिस जहाँ वो पैदा हुआ मदरलैंड उसको भी छोड़ के जाना है। तो ये चौथा घर है। उसके बाद पांचवा घर, पांचवा घर घूमने फिरने का, ऐश करने का, टूरिज्म, ट्रिप्स, स्पोर्ट्स, ये सब पांचवें घर से देखते हैं। छठा घर जॉब के लिए जाना है, कंपटीशन के लिए जाना है, मेडिकल चेकअप के लिए जाता है व्यक्ति, तो छठा घर देखा जाता है। सातवां घर, सातवां घर शादी के लिए जाना है तो भी सातवां घर, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना है तो भी सातवां घर, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है तो सातवां घर ही देखेंगे। उसके बाद चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी क्या होता है, सातवां घर क्यों देखते हैं चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी? अचानक ऐसा होता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, जैसे हमारे भगवंत मान जी की हो गई, 4 घंटे वहाँ डिले किया, दूसरी फ्लाइट में आए, दैट इज कॉल्ड चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी। रिसर्च, बंदा गया बीमार हो गया, फ्लाइट उसको कैंसिल करके दूसरी लेनी पड़ी, जो काम के लिए गया था कुछ 10 दिन बाद होना है उसको फ्लाइट कैंसिल करके दूसरी लेनी पड़ी, ये चेंज द कोर्स ऑफ जर्नी है।
आठम अगर रिसर्च के लिए जाना है तो जाएगा, अंडर अर्थ प्रोजेक्ट के लिए जाना है तो जाएगा, माइनिंग के बिजनेस के लिए जाना है तो जाएगा, कोई सर्जरी के लिए जाना है तो भी आठवां घर देखा जाएगा। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो भी नाइन्थ हाउस है, पिलग्रेमेज के लिए जाना है तो भी नाइन्थ हाउस है। जो मुसलमान लोग मक्का जाते हैं, अपने सिख लोग ननकाना साहब जाते हैं, ये भी नाइन्थ हाउस से ही देखा जाएगा। और दसवां घर प्राइजेस अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसी कोई व्यक्ति जाता है वहाँ पे अवार्ड लेने जाता है, किसी को कोई खास किस्म का प्राइज मिलना है उसको लेने जाता है, ये भी उसी के दसवें घर आएगा। ग्यारहवां घर फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर है बाहर जाने की, और एल्डर सिबलिंग्स हैं। बारहवां घर बाहर का है, विदेश का है, सात समुद्र पार है, ट्रैवल अब्रॉड है, फॉरेन रेजिडेंस भी है बारहवां घर। ये बारह के बारह घर हमने ट्रैवल अब्रॉड में कैसे देखने हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आते हैं बेसिक बात। अब इसके लिए सिग्निफाइड प्लैनेट कौन से हैं, सूर्य के पास क्या है, राहु के पास क्या है, केतु के पास क्या है, कहाँ जाना है, कैसा देश होगा, कैसा भेष होगा, कैसी जगह होगी, ये देखने के लिए इन प्लैनेट्स को देखेंगे अच्छी तरह। सन जो सूर्य है, ओपन वाइड एंड बिग कंट्री, जब हमने देखना है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ओपन वाइड एंड बिग कंट्री, जैसे हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, हम लेते हैं कनाडा, ये यूएसए, ये बड़े बड़े कंट्री हैं, रशिया बड़े बड़े कंट्री हैं जहाँ पे व्यक्ति जा सकता है। चंद्रमा जो समुद्र के किनारे हैं, कंट्रीज नियर वाटर और इन वाटर लाइक आइसलैंड और जॉब्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट नेवी, ये चंद्रमा से लेते हैं। जो समुद्र के किनारे कंट्री हैं उनको हम यहाँ से लेते हैं। मंगल ऐसा कंट्री जहाँ पे रॉकी एरिया हो, चट्टानों वाला एरिया हो, और वहाँ पे अग्रेसिव कम्युनिटीज़ रहती हों, हाई टेम्परेचर हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, रेतीला स्थान है, जैसे हम गल्फ कंट्रीज ले लेते हैं, वहाँ पे लोग भी अग्रेसिव हैं, वहाँ पे समुद्र के किनारे भी है लेकिन वो रेतीला है सारा। केतु अंडर डेवलपमेंट और पुअर कंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एड ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसा जगह जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, साउथ अफ्रीका के बहुत से कंट्री हम ले सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। राहु अनडेवलप्ड, जिसको बिल्कुल डेवलप नहीं हुए राहु कंट्रीज, पुअर फैसिलिटीज अलॉन्ग विद द वेरियस पॉपुलेशंस, ऐसे कंट्री। बृहस्पति कंट्रीज नोन फॉर देयर एजुकेशन एंड एथिकल सेंस, बृहस्पति के ऐसे कंट्री जो अपने एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, एथिकल सेंस के लिए जाने जाते हैं, जैसे यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, ये ऐसे लोग हैं, वहाँ पे एटिकेट्स बहुत हैं। यदि हम कहें कि एटिकेट्स कहाँ से चले, कहाँ सीखे, एटिकेट्स का जन्म ही यूरोप में हुआ, इंग्लैंड के टेबल मैनर्स इंग्लैंड से आए, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने हमें खाना पीना सिखाया, कैसे खाते हैं, टेबल मैनर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हम वो ऐसे कंट्री ले सकते हैं जिनका ज्ञान में नाम है, ऐसे कंट्री ले सकते हैं। सैटर्न अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर माइनिंग रिसोर्सेज लाइक ऑयल, कोल, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, सैटर्न ऐसे कंट्री जिनके पास माइनिंग में अच्छे रिसोर्सेज हैं, कोल है, माइंस हैं, दैट कैन बी डायमंड आल्सो, दैट कैन बी एनीथिंग, जेम्स जो नीचे से निकलते हैं, जिनके पास निकलते हैं, जिनके पास कोल माइंस हैं, आयरन कोर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा, ऐसे कंट्री। मरकरी, मरकरी ऐसी जगह जो डेवलप्ड कंट्री है, अपने ट्रेड में मास्टर हैं, दे आर वेल डेवलप्ड मास्टर कंट्रीज, जैसे हम बोलते हैं कि डेवलप भी है और ट्रेड भी बढ़िया करता है, आज की डेट में चाइना है, आज की डेट में जो ट्रेड अच्छी करता है यूएसए बहुत अच्छी ट्रेड कर रहा है,
बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे आप अभी देख लो, आप पहले शायद नहीं पता था ये यूक्रेन कितना बड़ा ट्रेडर था, कौन कौन सी कंट्री को क्या क्या देता था। जो हमारा इटली है बहुत बड़ा ट्रेडर है, जो बेल्जियम वगैरह कंट्री हैं बहुत बड़े ट्रेडर हैं, ये ऐसे ऐसे कंट्री। वीनस वो कंट्री जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, एथिकल सेंस भी वहाँ पे होती है। वीनस हर चीज़, स्विट्जरलैंड ऐसे कंट्री जहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत, यूरोप पूरा ही बहुत खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड, वेल डेवलप्ड पूरा यूरोप, यूएसए, यूके, सारा ये जो कंट्री है सारी जगह यहाँ पे आता है। तो इनमें भी जोन होते हैं। कोई व्यक्ति कनाडा में जा रहा है, कनाडा में तीन जगह हैं, एक तो बढ़िया जहाँ पे टेम्परेचर रहता है वो हम वैंकूवर की साइड के चले जाते हैं, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा भी ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा डेवलप भी ज़्यादा है वो आप ब्रम्पटन आ जाते हैं। और यदि हम देखें कि यहाँ पे हार्ड कंडीशंस कहाँ हैं, तो वहाँ पे हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बर्फ -50 डिग्री टेम्परेचर रहती है। कंट्री तो वही है लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं, ये बताती है आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ कौन से शहर में रहोगे, आप यहाँ तक जा सकते हैं कि कौन से शहर में रहोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ तक बता सकते हैं। अब ट्रैवल का जो कम्बिनेशन क्या है, तीसरा घर जो है छोटे ट्रैवल का है, छोटे छोटे ट्रैवल हम तीसरे घर से और ग्यारहवें घर से देखते हैं, ग्यारहवां घर इच्छा पूर्ति का है। पढ़ने के लिए यदि व्यक्ति हॉस्टल में जाता है तो हम 3, 4, 11 बोलते हैं। वो क्या है कि हॉस्टल में गया, घर से बाहर रह रहा है, घर से बाहर रह रहा है और हॉस्टल में रह रहा है, वो हम लिखेंगे कि 3, 11 है उसका, जाना था उसने चला गया। और ये जो लिखेंगे 3, 4, 11 पढ़ाई के लिए गया, पढ़ाई के लिए गया। तो यदि 3, 4, 11, 12 लिखते हैं हम, तो पढ़ाई पे होने वाला खर्चा पढ़ाई के लिए भी गया और खर्चा जो है खर्चा भी हो रहा है उसका, 12 यहाँ पे खर्चे का है। विदेश का भी है लेकिन विदेश के लिए लंबी यात्रा का कम्बिनेशन होना चाहिए। लेट इट मेक अवर शॉर्ट डिस्टेंस इन द अबव कम्बिनेशन। शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स दैट द नेटिव विल बी एबल टू कम बैक इन द इवनिंग टू हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इफ 11 इज देयर, इट इज हिज कंसेंट टू ट्रैवल इन द एबसेंस ऑफ 11। इट शुड बी कंसिडर्ड दैट द नेटिव इज ट्रैवलिंग विदाउट एनी अर्ज ऑफ ट्रैवल। जो 3, 11 है, जब नौकरी करते हैं तो इतना छोटा सा डिस्टेंस है जहाँ से व्यक्ति बाहर आया। अपने चंडीगढ़ में जो रहता है वो आजकल होशियारपुर से भी रात को वापस आके घर में सो जाता है, नवांशहर से भी आके वापस घर में सो जाता है, अम्बाला से भी घर वापस आ जाता है, करनाल से भी घर वापस आ जाता है। कन्वीनियंस है। पहले समय था कि रोपड़ जैसी जगह है 40 किलोमीटर की, उधर अम्बाड़े तक के लोग वापस आ जाते थे, उसके बाद नीचे आते। अब थोड़ा ये 3, 11 का जो डिस्टेंस है बढ़ गया है, जहाँ से आके रात को व्यक्ति घर में सो जाता है वो 3, 11 का ट्रैवल है, जहाँ नहीं आ पाता वो 9, 11 का ट्रैवल है। लॉन्ग ट्रैवल इज 9, 9 लंबी यात्राएँ हैं, वो डिस्टेंस है जहाँ पर व्यक्ति घर रात को वापस नहीं आता, उसको रात वहीं रहनी पड़ती है। वीकेंड वगैरह पे तो आ सकता है, डेली रात को नहीं आ सकता। जैसे चंडीगढ़ के व्यक्ति की अमृतसर की बदली हो जाए वो उसको रात को वहीं रहेगा, चंडीगढ़ के व्यक्ति की फिरोजपुर बदली हो जाए वहीं रहेगा, चंडीगढ़ के व्यक्ति की पानीपत की बदली हो जाए तो वो चाहेगा कि मैं वीकेंड पे चले जाऊँ, रात को डेली क्यों जाना है, ये लंबा रास्ता है। दिल्ली बदली हो जाए ऐसी, ये लंबे रास्ते हैं। और 3, 4, 9, 11, 12 जो है ये काफ़ी लंबे रास्ते हैं। 9वां लंबा रास्ता, 12वां विदेश का भी है, 12वां विदेश का भी है। तो अब ये कम्बिनेशन बनते हैं, नेटिव ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस विद दीज कम्बिनेशंस ऑफ द DBA एंड प्रेजेंस ऑफ 11 इंडिकेट्स दैट हर कंसेंट टू ट्रैवल इन द एबसेंस ऑफ 11 नेटिव विल ट्रैवल विदाउट एनी लाइकिंग और इंक्लिनेशन। जब तो ऐसा आएगा और आइए, जब तो आएगा जी 11 होगा तब तो व्यक्ति अपनी इच्छा से जाएगा, जब 11 नहीं होगा तो उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी है चाहे वो उसका पढ़ाई है, किसी भी तरीके से उसको जाना पड़ सकता है। अब ट्रैवल अब्रॉड की बारी आती है। 12वां घर अब्रॉड का है,
सेटलमेंट अब्रॉड, दूर समुद्र के पार, घर से बहुत दूर, और जहाँ पे विदेश, बारहवां घर विदेश का है, जहाँ पे आपको लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही जा सकते हैं, आप ऐसे जा नहीं सकते। 3-9-12 का जो कॉम्बिनेशन है इसलिए है कि तीसरा घर अवे फ्रॉम होम, 9वां घर लॉन्ग ट्रैवल, 12वां घर विदेश। 3-9-11-12 इसका मतलब इच्छा पूर्ति, 11 यहाँ इच्छा पूर्ति बताता है। 3-4-9-11-12 बताता है कि आप पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। 4वां घर पढ़ाई का है, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नेटिव मे ट्रैवल अब्रॉड इन द डीबी ऑफ सच प्लैनेट्स विद द अबव सिग्निफिकेशंस। 3-9-12 में व्यक्ति बाहर जा सकता है। एजुकेशन अवे फ्रॉम होम, यदि एक बच्चे के बारे में बात आती है कि क्या ये हॉस्टल में जाएगा, तो उसके लिए बड़े सिंपल कम्बिनेशन है जो आपने ऊपर पढ़े हैं, जो आपने ऊपर पढ़े हैं वो कम्बिनेशन है इसके, वो है 3-4-11, 3-4-9-11, 3-4 विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सेपरेटिव प्लैनेट्स ऑन द फोर्थ हाउस। जब भी किसी ने बाहर जाना है, एक बात का ध्यान रखना, 4वां घर और 4थे घर का मालिक दोनों में से कोई एक पीड़ित होना चाहिए। इसके बिना कोई व्यक्ति अपनी माँ को छोड़ के बाहर नहीं जाता, जन्म प्लेस को छोड़ के बाहर नहीं जाता। तीसरा घर या तीसरे घर का, 4वां घर या 4थे घर का स्वामी, दोनों में से कोई एक पीड़ित होना चाहिए। एजुकेशन इन लग्जरी स्कूल, लग्जरी स्कूल में यही एजुकेशन है जब बाहर व्यक्ति जा सकता है। लग्जरी स्कूल में कैसे होगी? लग्जरी स्कूल में तब होगी जब वहाँ पे वीनस जैसा प्लैनेट आ रहा हो, दशा लॉर्ड। चाइल्ड मे गेट एडमिशन इन द लग्जरी और एक्सपेंसिव स्कूल इन द डीबीए। प्लैनेट सिग्निफाई टू का मतलब पैसा जो लगना है, 3 का मतलब अवे फ्रॉम होम, 4 का मतलब एजुकेशन, 11वें का मतलब इच्छा पूर्ति, 12वें का मतलब एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस कहाँ होगा? जब दशा या भुक्ति जो है वीनस की और सूर्य की होगी। वीनस कब होगी? जब स्कूल बहुत खूबसूरत होगा तो ये स्कूल जो है दशा होगी ये वीनस की होगी। जब स्कूल की रेपुटेशन बहुत होगी कि वहाँ पढ़ाई बहुत होती है तो सूर्य की दशा इसमें जा सकता है। एजुकेशन रिप्यूटेड स्कूल, चाइल्ड मे गेट एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड रिप्यूट लाइक IIT, एम्स, लॉ इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा, इफ प्लैनेट सिग्निफाई 3, 4, 9, 10, 11, 12। हेयर वन ऑफ द डीबीए शुड बी सन। सन की दशा, एक दशा या अंतर दशा में से कोई होना चाहिए। तो सूर्य बेटे की पेटर पे वीनस आया था तब उसने स्कूल चेंज कर दिया था और इधर लग्जरी स्कूल में आ गया था। देखो सर, ये बहुत बढ़िया बात है, आपने ये विटनेस कर दिया, जो पढ़ाया बिल्कुल इसका मतलब ठीक है। हाँ जी, तो आप देखोगे, सारे लगाएंगे हम, सबकी पत्नियां लगाएंगे, आप पढ़ लो इसको थोड़ा सा। एजुकेशन इन कमर्शियल कॉलेज, जो ऐसे कॉलेज हैं जो महंगे कॉलेज हैं, वहाँ पे जब लेनी है तो वो कैसे कम्बिनेशन है आपके, वो भी आपको बताता हूँ। चाइल्ड मे गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज इवन इफ ही डज नॉट अटेन हाई मार्क्स। जो कमर्शियल कॉलेज है ना, तो नलैक घरों के जो लाडले बच्चे होते हैं वहाँ पे भी उसको एडमिशन मिल जाती है। काका जी को एडमिशन वहाँ मिल जाती है जिनको पढ़ाई नहीं आती, पैसे के सिर पे। उनके कम्बिनेशन क्या हैं? 12वां घर खर्चे का है, उसका कम्बिनेशन है 12वां घर खर्चे का है। तो 12वां घर मौजूद होना चाहिए सबसे पहले, कम्बिनेशन वही है पढ़ाई के। डीबीए शुड सिग्निफाई 2, 9, 11, 12, 2, 3, 9, 11, 12, 2, 3, 4, 9, 11, 12, वही सारे कम्बिनेशन। और 9, 12 खर्चा दिखाता है, 12 का मतलब है खर्चा, ठीक है जी। तो वहाँ उसकी हेयर वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द डीवी शुड बी मरकरी। तो एक प्लैनेट बुध होना चाहिए जो ट्रेड का कारक है, जिसने एजुकेशन को ट्रेड में बदला है। एजुकेशन इन सस्पिशियस इंस्टीट्यूट, चाइल्ड मे गेट एडमिशन इन कॉलेज दैट आर नॉट रिप्यूटेड एंड देयर अफिलिएशन आर डाउटफुल, और
The management of the institute is about to get affiliation in the DBA, जहाँ अभी बोलते हैं कि हमारी affiliation हो जाएगी, हुई नहीं होती, तो वो कैसी होती है? DBA should signify 5, 8, 9, 12, 3, 4, 5, 8, 9, 12, and one of the DBA should be केतु और राहु. राहु और केतु में से कोई एक की दशा उसमें होनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु ही ऐसे प्लैनेट हैं जो शक के दायरे में आते हैं. जब कोई भी घपला है तो राहु और केतु के का वहाँ होना जरूरी है, इसके बिना घपला नहीं होता. राहु बहुत बड़ा घपला कराती है, केतु भी बहुत बड़ा घपला कराता है. अब ट्रैवल का पर्पज क्या है? दुनिया घूमती है, किसी का कोई पर्पज होता है, किसी का कोई पर्पज होता है. अब यहाँ पे क्या पर्पज है, कौन सा पर्पज का कम्बिनेशन कौन सा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा. 3-11 के साथ लग जाएगा. सबसे पहले फॉर मीटिंग फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर कुटुंब होता है. कोई व्यक्ति यहाँ अपने अपने घर वालों को मिलने आता है, रिश्तेदारों को मिलने आता है, उसकी कॉम्बिनेशन DBA में 2-11 होना चाहिए. फॉर स्टडी पर्पज, यदि स्टडी पर्पज के लिए जाना है तो 4-11 बीच में होना चाहिए. यदि टूरिज्म के लिए जाना, टूरिज्म के लिए 5वां घर होता है, यदि टूरिज्म के लिए जाना तो 5वां घर वहाँ पर होना चाहिए. और उसके बाद है अपनी, जब टूरिज्म में जाते हैं चार भी साथ में है तो हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली घर वापस आना होता है, अल्टीमेटली घर वापस होना होता है, इसलिए वो चलता है कि 4 भी होगा तो जल्दी बंदा वापस आएगा. तो ये इसकी निशानियां हैं. और उसके बाद पिलग्रिमेज, जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जाता है तो 9वां घर लंबी यात्रा और धार्मिक स्थान की यात्रा का होता है. जब 5वां घर साथ में हो तो उसका प्रारब्ध, उसको कोई भी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के बिना कहीं तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता. जब 5वां घर होता है तो एज टूरिस्ट, ये टूरिस्ट का भी घर है, प्रारब्ध का भी घर है, 9वां घर यात्राओं का है, इस जन्म के पुण्य का है. तो व्यक्ति इस जन्म में पुण्य तभी करता है जब पिछले जन्म में भी उसने किए होते हैं. तो 5, 9, 12 यहाँ पर 9, 12 आ जाता है. तो लेकिन जब करता कब है, या तो बृहस्पति की दिशा में उसके दिमाग में आता है यार भगवान भी कोई चीज़ है, इसको भी देख लो और मना लो, या फिर केतु के, सबसे ज़्यादा केतु याद कराता है भगवान को, सबसे ज़्यादा भगवान को ये केतु याद कराता है. या कोई ऐसा प्लैनेट हो जो केतु के नक्षत्र में हो, बृहस्पति के नक्षत्र में हो, उसकी दशा चलती हो, तब बंदा जो है यात्रा करता है, धार्मिक यात्राएँ. और स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी बाहर जाते हैं लोग, लंबी यात्राएं करते हैं. वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसको भी बताता हूँ आपको. नेटिव मे ट्रैवल फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन इफ DBA प्लान सिग्निफाई 5, 6, 11. 6वां घर यहाँ कंपटीशन का है, 5वां घर स्पोर्ट्स का है, 11वां उसकी इच्छा पूर्ति का है. वन ऑफ द DBA ऑफ द प्लैनेट शुड बी सन, क्योंकि सूर्य है जो है वो स्पोर्ट्स का कारक है, या मंगल भी स्पोर्ट्स का कारक है, एनर्जी का कारक है मंगल. तो ये मंगल और सूर्य में से कोई एक की दशा होनी चाहिए, तब व्यक्ति कंपटीशन में या रेस में या स्पोर्ट्स में भाग दौड़ करता है, क्योंकि ये एनर्जी के कारक हैं. DBA प्लैनेट सिग्निफाई 5, 6, 10, 11. सन एंड जुपिटर आर द पार्ट ऑफ द DBA और नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑफ द DBA प्लैनेट्स, जिनकी दशा चल रही है उनके सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड जो हैं वो सूर्य होना चाहिए या मंगल होना चाहिए, तभी व्यक्ति बाहर घूमने जाता है कंपटीशन के लिए स्पोर्ट्स में. ठीक है जी. कैश प्राइज और ट्रॉफी लेने जब जाता है बंदा तो 5, 6, 10, 11 उसके पास होते हैं, लेकिन दशा शुरू हुई सूर्य, या सूर्य रिकॉग्नाइज करता है बंदे को, या चंद्रमा कैश दिलवाता है बंदे को, या फिर ऐसा है कि बृहस्पति अवार्ड्स और इज्जत का कारक है बृहस्पति, वो होना चाहिए, दशा का हिस्सा होना चाहिए, या नक्षत्र जो जो दशा लॉर्ड हैं वो इनके नक्षत्र में होने चाहिए, तो बंदा कैश प्राइज या ट्रॉफी लेने के लिए बाहर जाता है. प्राइज ऑफ व्हीकल विद ट्रॉफी, किसी को क्या मिलता है,
कई बार प्राइज में व्हीकल मिल जाता है, क्रिकेट के मैच में जब टीम जीती है कैप्टन को कार मिल जाती है, या जो सबसे ज्यादा छक्के लगाता है उसको कार मिल जाती है। तो नेटिव मे गेट व्हीकल एज प्राइज अलॉन्ग विद ट्रॉफी अवार्ड इन द डीबीए सिग्निफाई 2, 4, 5, 6, 10, 11 एंड व्हीकल का कार कौन है? वीनस। तो वीनस शुड बी वन ऑफ द दशा लॉर्ड, या जो दशा स्वामी है उनके नक्षत्र का या सब लॉर्ड का स्वामी वीनस होना चाहिए और उसके पास 4, 5, 6, 10, 11 होना चाहिए, तो व्यक्ति को कंपटीशन में कार वगैरह व्हीकल वगैरह मिलता है। कंपटीशन फॉर एडमिशन, कई बार एडमिशन के लिए व्यक्ति बाहर जाता है, अब तो यहाँ से ऑनलाइन हो जाते हैं। पहले बाहर एमबीए वगैरह करनी होती थी, बाहर एमबीबीएस करनी होती थी, बाहर लॉ करनी होती थी, इंजीनियरिंग करनी होती थी, तो वहाँ जाके कंपटीशन देने पड़ते थे। तो उसमें ये उस समय का कंपटीशन है 3, 6, 9, 11 होना चाहिए, 3, 6, 8, 9, 11 होना चाहिए, तभी तो व्यक्ति बाहर जा पाता है। और मंगल जो है वो दशा स्वामी होना चाहिए। एडमिशन फॉर स्कॉलरशिप, एडमिशन विद स्कॉलरशिप कहीं मिलती है आपको, कई बार आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे साथ में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो उसमें डीबीए प्लैनेट जो है वो स्पॉन्सर होना चाहिए, गवर्नमेंट, सन है तो गवर्नमेंट है, मून है तो गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। कौन स्पॉन्सर करता है स्कॉलरशिप, कौन देता है? बृहस्पति है तो इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, या तो स्कूल ही या जहाँ पे कॉलेज देते हैं वो खुद ही स्कॉलरशिप देते हैं, और या फिर स्पाउस भी दे देता है आपको। मरकरी है तो कॉरपोरेट, और सिस्टर, बुध सिस्टर का कारक है या कॉरपोरेट आपको स्पॉन्सर करते हैं। सैटर्न केतु है तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सर करते हैं। शुक्र है तो स्पाउस गर्लफ्रेंड स्पॉन्सर कर देती है। मंगल है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ब्रदर फ्रेंड्स आपको स्पॉन्सर करते हैं। राहु है तो इन लॉज स्पॉन्सर करते हैं। फॉर जॉब एंड सर्विस यदि बाहर जाना है तो छठा घर जॉब का होता है, 11वां उसकी गेन का होता है, जो पैसे कमाता है दूसरा घर। तो 2, 6, 10, 11 2, 6, 11 6, 11 दशा स्वामी होने चाहिए, या जो दशा प्लैनेट है उनके जो लॉर्ड हैं वो उसमें होने चाहिए। यदि बिजनेस के लिए जाना है तो 7, 11 2, 7, 11 7, 10, 11 2, 7, 10, 11 होने चाहिए। यदि मैरिज के लिए बाहर जाना है और वीज़ा अप्लाई करना है बाहर के लिए मैरिज का, तो 2, 7, 11 2, 7, 10, 11 होने चाहिए। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करना है तो भी 2, 7, 11 क्योंकि 7वां घर बिजनेस का भी होता है। और उसमें रिसर्च के लिए जाना है पेपर पढ़ने तो 8 का कंपोनेंट होना चाहिए, 2, 4, 8, 9, 10, 11 यदि रिसर्च का पेपर पढ़ने जाना है तो बुध की दशा होनी चाहिए, रिसर्च करने जाना है तो सैटर्न की दशा होनी चाहिए। फॉर हायर स्टडीज़ तो 9वां घर हायर स्टडी का वो वन दैट शुड बी वन ऑफ द दशा लॉर्ड। नेटिव मे ट्रैवल फॉर हायर स्टडीज इफ डीबीए प्लैनेट सिग्निफाई 9 अलॉन्ग विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड, जुपिटर शुड बी वन ऑफ द डीबीए प्लैनेट एंड नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड शुड बी ऑफ डीबीए प्लैनेट। यदि प्रोफेशन के लिए जाना है बाहर तो प्रोफेशन 10वें घर का है, हाई प्रोफाइल प्रोफेशन के लिए जाना है, अवार्ड ऑनर के लिए जाना है तो 10, 11 होना चाहिए अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड 3, 9, 11 3, 9, 12 सच, या ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही हो जिनका सब लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी 10, 11 3, 9, 12 साथ में लेके बैठा हो। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो छठा घर साथ में होना चाहिए, सर्जरी के लिए जाना है तो 8वां घर होना चाहिए। मेटी मे ट्रैवल अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और ऑपरेशन इफ डीबीए सिग्निफाइज 1, 6, 8, 12 अलॉन्ग विद द फॉरन ट्रैवल कॉम्बिनेशन। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो सूर्य या राहु डीबीए के हिस्सा होना चाहिए, या ऐसे प्लैनेट्स की दशा होनी चाहिए जिसके ये सब लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी हों। फॉर सर्जरी के लिए मंगल और शुक्र सर्जरी के कारक हैं, तो डीबीए या डीबीए के प्लैनेट इसके खुद ये होने चाहिए, या इनके ये डीबीए प्लैनेट के नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड होने चाहिए। तो ये 14 तरह का ट्रैवल अब्रॉड मैंने आपको बताया है। ये यदि स्पॉन्सर करवा के जाना है तो कहाँ कहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलती है ये बताया मैंने आपको, कौन कौन से प्लैनेट के लिए कैसे कैसे कंपटीशन के लिए कैसे जाते हैं ये बताने, तो स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स में मैंने आपको 4 कम्बिनेशन दिए हैं ABCD कैसे होता है। और उसके बाद आपको बढ़ाया कि धार्मिक यात्रा के क्या कम्बिनेशन है, फिर मैंने आपको करवाया कि टूरिज्म के कम्बिनेशन क्या हैं। तो
तो मीटिंग द फैमिली मेंबर क्या है, स्टडी के पर्पज के लिए क्या है, पर्पज ऑफ ट्रैवल में करवाया, और यदि एजुकेशन इन स्पीशीज इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल दी। जिनका इंस्टीट्यूट का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कहीं अफिलिएशन नहीं हुआ, लोगों को गुमराह करके एडमिशन लेते हैं, उसका कम्बिनेशन दिया, कमर्शियल कॉलेज का कम्बिनेशन दिया जिसके लिए पैसा महत्व देता है, पढ़ाई नहीं महत्व देती, ऐसे इंस्टीट्यूट का भी मैंने दिया जो रिप्यूटेड हैं, जिनकी पढ़ाई का लोग सिक्का मानते हैं, जैसे ऐसे कॉलेज में कैसे एडमिशन होती है, जैसे IIT, एम्स, लॉ इंस्टीट्यूट वगैरह। और एजुकेशन इन लग्जरी स्कूल में आपके क्या कम्बिनेशन है, वीनस शुड बी देयर, सन शुड बी देयर, एजुकेशन अवे फ्रॉम द होम, चौथे घर से बाहर, बारहवां तीसरा घर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नौवां घर, यदि दूर है इंस्टीट्यूट तो नौवां घर, घर के पास है तो नौवां घर ना भी होगा तो चलेगा। तो उसके बाद ट्रैवल अब्रॉड के कम्बिनेशन दिए, बाहर जाने के लिए 3-9-12 मेन कंपोनेंट है, 3-9-11-12 सेकंड कंपोनेंट है, 3-9-4-11-12 बहुत बढ़िया कंपोनेंट है। तो ये लॉन्ग ट्रैवल जो है हमारी 3-9-11 है, 3-4-9-11 है, 3-4-9-11-12 है, यहाँ 12 खर्चा दिखाता है। तो शॉर्ट ट्रैवल्स है 3-11 जहाँ से लोग व्यक्ति शाम को वापस आ सकता है, 3-4-11 जहाँ से पक्का शाम को वापस आएगा बंदा, 3-4-11-12 जिसके पास होगा वो शाम को वापस आएगा, किसी भी हालत में वापस आएगा, चाहे थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो वो भी वापस आएगा। तो कंट्रियों के मैंने आपको बताए कि सूर्य कैसे कंट्री देता है, मून कैसे कंट्री देता है, मार्स कंट्री कैसे देता है, तो वीनस 12 कंट्री देता है, मरकरी जो कमर्शियली डेवलप होते हैं वो कंट्री देता है, जैसे चाइना अभी हुआ है, सैटर्न जो है अंडर डेवलप्ड या डेवलप कंट्री तो होते हैं लेकिन उनके पास माइनिंग रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, सैटर्न उसको देता है, बृहस्पति कंट्री वो देता है जहाँ एजुकेशन ज़्यादा होती है, एथिकल सेंस ज़्यादा होती है, राहु अनडेवलप्ड कंट्री देता है जहाँ पे व्यक्ति के लिए फैसिलिटीज़ की बहुत कमी रहती है, केतु अंडर डेवलपमेंट देता है, पुअर कंट्री देता है जो दूसरे की कंट्रीज़ की कृपा पर चलता है, दान पुण्य पर चलता है, मार्स ऐसा जगह देता है जहाँ पर रेतीली जगह होती है, रॉकी जगह होती है और अग्रेसिव कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, मून वो जगह देता है जो समुद्र के किनारे होती है वो कंट्री देता है, सूर्य वो जगह देता है जो बहुत ही खुला खुला बहुत बड़ा वाइड धरती हो जिसकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, कनाडा है, ऐसे ऐसे कंट्री जो बहुत खुले हैं, या उसकी जो प्रभुसत्ता बहुत बड़ी है, जैसे आज रूस की बड़ी प्रभुसत्ता है, चाइना की बड़ी प्रभुसत्ता है, और अमेरिका तो है ही ऑल टाइम बॉस, ऐसे कंट्री भी वो सन के अंडर आते हैं। तो 12 घर भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम आते हैं। तो इसके साथ ट्रैवल अब्रॉड जो है आपका जो थ्योरी पार्ट है दैट इज़ ओवर। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।